श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अलवा की।
सेवा कैसे होती है वो भी सुनो। सब सेवा खुशबू है। अब गर्मियों में सर्दियों में तो इधर फले वगैरह की जरूरत नहीं होती, तो स्वामी जी इधर बोलते हैं या बंगला जी में किस तरह से सुगंधी और किस तरह से ठंडक रखते हैं वो व्यवस्था सुनिए। अतर खरीद सब जात है। अतर खरीद सब जात के हम अब क्या करते हैं भाई, राज्य को इतर भी सुना था, इतनी सी शीशी ले आओ, नहीं समझे बहुत है। फिर एक रूई तोड़ी हो गया, एक शीशी 6 महीने खत्म नहीं। और अब देखना कितनी लाते, शीशी नहीं तुंग के तुंग, मटले के मटले। और फिर देखते हैं यार ये जो माल आ रहा ठीक नहीं है, खुद चले जाते हैं जहां से इतर निकलता था जौनपुर आजमगढ़, वहां जाके बैठ के तुंग के तुंग मटके के मटके भर के लाते हैं। आवे तुंग भरे गुलाब के सोए, तुंग भरे मतलब बड़े बड़े मट भरे के मंगाए जाते हैं। अतर अगर चौवा खसखाना, अगरबत्ती खसखाना और सुगंधी की सब चीजें। अरे सेवा गंगाराम, ये गंगाराम जी पहले सेवा करते थे। खुशबुए खाना सब रखते हैं, सब खुशबुए खाना उनके पास है, अगरबत्ती है, इतर है और हर प्रकार की सुगंधी के सामान सब उसके पास भंडार रहता है। यही खरीद करे इस ठान, एक खुद खरीद करने जाता कि नहीं तेरा भाई माल ठीक नहीं आता, मैं खुद जाऊंगा खरीदने के लिए, बढ़िया से बढ़िया लेकर के आते हैं। खस खाना बनावत, अब गर्मी का मौसम है तो जिसको खसखस की टट्टियां बोलते हैं किस भरी भाषा समझाना, तो अब वहां बनी हुई कहां मिले, सुंदर साथ है और तो कोई अभी बस्ती प्रणाम जी पद्मावतीपुरे में नहीं होती थी, तो फिर बनाने का काम किस तरह से कौन कौन सुंदर साथ करता है। टट्टियां अपने अपने हाथों से वो बना के खड़ी करते हैं टट्टियां। छप्पर छाटे बलिबार, छप्पर जो खड़े करने उसको खुद हाथों से बना बना के तैयार करते हैं। छिटकत पानी, फिर सब खड़ा करने के बाद सब जैसे ये रूम है सब कुछ नजर ही नहीं आता, सब खसखस की टट्टियां लगी हुई हैं और सुंदर साथ कई खड़े ही रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं टट्टियां बांधने, और बांधने के वास्ते एक ओका गंगाराम, ओका भाई और गंगाराम ये काम करते हैं। सेवा कृष्ण दास दयाल और कृष्ण दास और दयाल जी भी इनके साथ शामिल हैं। रहे मोहम्मद खान का, और मोहम्मद का भी काट काट के, बांस मोटे होते ना फाड़ फाड़ के काट काट के देता, चलो भाई फटाफट तुम बांधते चलो मैं बांस काट काट के देता हूँ। फतेह मोहम्मद, फतेह मोहम्मद भी साथ सेवा में आता है। जब वो भारी भारी खड़े करने तो इतने सुंदर साथ मिलके खड़े करके रस्सियों से बांध देते हैं बंगले के बीच में, और बंगला जी के बीच में सब सेवा करे समान, सब समान की सेवा की जाती है। काम बड़े का पड़े, अगर कोई बड़े का काम पड़ता है, रहे मोहन हीरा मन, मोहन और हीरा मन तैयार। ये नहीं कहता हूँ मैं ले आऊ ना, अपना बैग है थैला उसी में वो है त्राशने वाला भी, आरी काटने वाले भी, सब कुछ पास ही रखी हुई है, चर्चा में भी बैठे अजी वो चाहिए, हाँ जी मेरे पास ही है, निकाल के उसे होकर तैयार भी रेडी, अपने अपनी सेवा का सामान पास रखते हैं। सूत्री डोरी लियावन को, एक एक चीज को देखो, सूत्री है डोरी है लाल कपड़ा है वो भी एक सुंदर साथ के जिम्मे, और वो लेने नहीं जाते, एक एक झोली बना रखे उसी में डाल के बैठो। मूलचंद मोहन, मूलचंद मोहन भाई है, वास कमचिये लावत, अब वास को छीलना है साफ करना है तो कमचियां चाहिए, वो कौन लेके बैठा है। पूर्वीय खोज पर, पूर्वीय भाई जंगल में जाते हैं और वहां से टेढ़े मेढ़े भी बांस होते हैं ना, सीधे सीधे नरम नरम बांसों को काट काट करके लेके आते हैं। संवारने वासन को, बांसों को संवारने के रास्ते जगुवीर जी पहले तैयार करते हैं बांस, आज ही फटाफट काट साफ सूफ करके हाजिर कर देते हैं। लाल खरवा चाहिए, लाल खरवा कहते हैं जो ऊपर कपड़ा बांधा जाता है ना उसको खरवा कहते हैं, और लाल खरवा कौन रखता है, यावत है नारायण, नारायण दास तुरंत आ जाता है, लेकर चलो जी बांधना शुरू कर दो, सिलना शुरू कर दो, बनाए के खड़ी कर, बस बन गई खसखसियां खड़ी कर दे। फोड़त है सुबान, क्योंकि फोड़त है सुबान, दाम के धनी फोड़ रहे हैं, जल छिड़कता सब बंगले, बंगला जी के अंदर जल छिड़का जाता है, उठाए सब बिछोने, क्यों सुंदर साथ के बिछोने पड़े हुए थे,
यार इन्होंने तंग कर रखा है, बिछादर डाल दे पानी, ऐसा नहीं होता। दो सुंदर साथ आगे आगे चलते हैं, बिछौने उठा के ऊंची जगह पर रख दो, व्यवस्था ठीक हो गई। हाँ, अब जल छिड़क दो, जब जल फिर खुश्क हो गया, रात को सोते बार भी ज्यों के त्यों बिस्तर रख दो। वो ढूंढते ना फिरे कि मैंने यहाँ रखा था, कहाँ चला गया। ये है सेवा, इस तरह से काम करते हैं। इनायत खान भगवान और अनायत खान और देखिए सुंदर साहब जी, किसी और हिंदुओं के भी देवी देवताओं के शिष्य मुसलमान हुए, कितने मुसलमानों के नाम सुन रहे। वो घर बार छोड़ के, नमाजें पढ़नी छोड़ के श्री जी सहर जी मेहरबान बोल रहे हैं। धनी के चरणों में पहचान होगी आतन से, शरीर से हमें लेना देना क्या है, चाहे वो हिंदू का है चाहे मुसलमान का है, छोटी जाति चाहे मोटी जाति, सब सुन रहे हो नहीं। सब इन सब को मिला के स्वामी जी ने कहा था धामी कि तुम अब जाति बाति से बाहर हो, एक तुम्हारे धनी है एक तुम्हारा परम धाम है, तो अब तुम हिंदू मुसलमान के चक्कर को छोड़ो, तुम कहां के हो गए हो, परम धाम के। इसलिए इनको क्या शब्द कह दिया कि ना तुम शर्मा हो ना वर्मा हो ना कर्मा ना द्रवेदी ना त्रिवेदी, अब हो तुम धामी। तो वो धामी है तो शीश झुकाओ, अगर शर्मा वर्मा टर्मा है तो उन्हें भी कर दो कर्मा एक तरफ, क्या लेना देना। जो अपना स्थान छोड़ गए, अपनी नियत छोड़ गए, धनी का विश्वास छोड़ दिया, फिर उनसे हमारा संबंध क्या, चले जाना पन्ना जी, कोई धामी नहीं। कौन है? धनी दास जी शर्मा पंडित, किशन दास जी शर्मा पंडित, बाबू राम जी शर्मा, सारे शर्मा हो गए। और आखिर मुसलमानों के भी तो संतान थे बीच में, उनका नाम गुलाम मोहम्मद क्यों नहीं रख दिया। जाहिरी दुनिया के पीछे जो लग के अपना ईमान गिर बैठे, पूजा कैसे उनकी होगी। गंगाराम सेवे इनमें, और गंगाराम भी सेवा करता है, बिछोने वाले बिहारी दास, और बिछोने वाले बिहारी दास जी फराश थे, वो स्वामी जी का बिस्तर बिछाते। कोई आज बड़ा विश्व इस पर आए वो फराश को रखा हुआ है, ताकि सुंदर साथ के भाव में दादों में कभी भी नीच ऊंच की बात पैदा ही ना हो। स्वामी ने कहा तुम मेरी सेजा बिछाया करो, जैसे गांगजी भाई जी के घर देवचंद जी महाराज बैठे थे, तो खोजी भाई मुसलमान नहीं थी, विड्डू थी, बुलाया, पहचानो ये तो परम धाम किया था, मैं तारतम दिया, कह लगे चल तू रसोई में। ये काम किसी ने किया? पहचानो कौन है, ये हिंदुओं का काम नहीं है, ये परम धाम के धनी का काम है जो परमात्मा सबका एक। मुश्किल कुछ नहीं, समझने की जरूरत है। और फिर एक दिन एक होना है, शरीरों से ही तो हम जुदा जुदा बने बैठे हैं, आत्मा तो जुदा नहीं है, आत्मा सबके एक है। आप बताओ सुंदर साहब जी, इस ज्ञान को फैलाने का कर्तव्य हमारे ऊपर कितना बड़ा है। अगर ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी हम संसार में फैला दें तो सारा विश्व एक का हो जाएगा, कि एक परमात्मा को सब पूजने लगेंगे। तो जब ये भाव हो जाएगा तो सबके दिलों के विरोध मिट जाएंगे, छोटा बड़ा मिट जाएगा, ऊंचे नीचे के भाव मिट जाएंगे, वननेस का भाव लेते ही, क्योंकि आत्मा सबकी एक। आत्म के बेस पर तो हम सबको एक कर सकते हैं, नहीं तो धर्म के आधार पर ना कोई कर सका और ना कोई कर सकेगा। सब साथ दौड़े इनका, सब साथ जो है दौड़ दौड़ के सेवा में हिस्सा लेते हैं। वीर जी मोदी जल छिड़क, और वीर जी मोदी जो है वो जल छिड़क रहे हैं, कर राज की पहचान। देखो सेवा कौन करेगा जिसको राज्य में राज की पहचान होगी, तो बाकी कोई सेवा के निकट भी नहीं आता। नंदराम पखाले मंगावत, नंदलाल पखाले किसको कहते हैं, पंखे को, उस समय हाथ वाले पखाले होते थे, वो मंगाते हैं कि लो भाई गर्मी आ गई है, सुंदर साथ को भी दो, स्वामी जी के ऊपर भी पंखे झुलाते रहो। आकर वल्लभ छिड़कता, और आकर फिर जो है वल्लभ दास जल छिड़कता है, तर करे जिमी को, जिमी को तर कर देते हैं, गर्मी ना फरकत, फिर
गर्मी कहाँ आ जाएगी, उधर खसखस की टट्टियां खड़िया, इधर जल ही जल हो रहा है। चार सुंदर सा पलंग के चारों पैर पर खड़े होकर के वाव झूलते ही रहते हैं, खड़े रहे एक पाव पर खड़े होकर सेवा करते हैं। बिहारी वाव डोलत, बिहारी दास भी वाव की सेवा करता है। कबू गंगा दास जी भी आते हैं, शंकर हाथ में, और शंकर जी के हाथ में तो बिजना, बिजना कहते हैं पंखे को, रहता ही है हमेशा ही, बीजने बीजने के वास्ते, पंखा चलाने के वास्ते खड़ा ही रहता है। जब महाराजा आवत, जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, वो आके पंखा लेके झुलाते हैं। वाओ डोले इन समय, सुंदर साथ जी दरबार में वो राजा है, सुंदर साथ में राजा नहीं है, बिल्कुल सब सुंदर साथ के समान आके हर सेवा के अंदर जो है छत्रसाल जी हाजिर हैं, और साथ ही सब डोलत, और सब ये सुंदर साथ फिर बारी से सेवा में हाजिर रहते हैं। जहाँ लग पौड़ा श्री राज, श्री राज जी महाराज पौड़े हुए हैं, चार जने ही तो खड़े रहते, चार जने खड़े ही रहते हैं। वल्लभ शंकर ही का, वल्लभ और शंकर दास जी का खास कर सेवा का काम होता है। गंगा दास गंगाराम, गंगा दास और गंगाराम, और बिहारी दास, संत दास सेवन में, और संत दास भी सेवा में शामिल है, खड़े रहे खास, और एक खड़े ही रहते हैं सेवा में, कोई सेवा भाग भाग के करते हैं, और साथी भी सेवन को, और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं, खड़े रहे सदा सन्मुख, और सदा सन्मुख खड़े रहते हैं। जिन्हों सुख लिया इन समय, जिन्हों सुख लिया इन समय, अब उनके तुलना में कौन आ सकते हैं भाई, हम सुनी तो रहे। अब स्वामी जी कहते हैं जिन्होंने उस समय सेवा का सुख ले लिया, अब स्वामी जी कहते हैं इसलिए इन मुख से उनका नाम ना लिखें, ये तो हो नहीं सकता था। इन सेवा में पहले, इन सेवा में सबसे पहले निर्मल दास जी रहते थे, प्रेम दास जी ने ये सेवा की, सेवा करी जो खास, और खास सेवा में हाजिर रहे लाल मुकुंद दास रहते, लाल दास जी और मुकुंद, ये तो सदे एक पाव पर खड़े हैं, 24 घंटे राज जी के चरणों में हाजिर हजूर हैं। निर्मल दास के संग, निर्मल दास जी के साथ गोविंद दास सूरती, और गोविंद दास जी और सूरती भाई मगन सेवत सर्वांग, मगन है सेवा के अंदर, सब अंगों से सेवा कर रहे हैं। जमुना मान कई समय, जमुना बहन और मानक भाई रहे हजूर सेवा में, और सेवा में हाजिर रहते हैं। राम भाई आकर में, आकर राम भाई भी सेवा में शामिल होती है, सबेर हुई वल्लभ से, और वल्लभ दास जी भी सेवा शामिल करते होते हैं। हकीकत खां भेजते हैं, ध्यान देना, हकीकत खां ने देखा कि भाई इतर गड़बड़ आता है, जौनपुर जाके बैठ गए कि जब चंबेली का मौसम आएगा तो मैं खुद सामने इतर निकलवा के भेजा करूंगा, गुलाब के शीशे, और गुलाब के शीशे भर भर के इतर के भेजता है, शिरकत है सब सेज पर, सब सेजा के ऊपर छिड़का जाता है। गंगा राम जी की सेवा है, मिही वस्त्र पहनन के, अब गर्मियों में सर्दी का तो हो गया ना तलाई वगैरह, अब गर्मियों में बारीक वस्त्र जो है पहनाए जाते हैं। प्रेमदास जी ला के सेवा में हाजिर होता है, आकर को इन पे सेवा गई, नंदराम पासे जा, नंदराम, प्रेमदास जी ने देखा, लाला जी देखते हैं कि प्रेमदास कोई गड़बड़ करता है, तो नंदराम को सेवा दे दी। आई फिर वल्लभ पास, फिर वल्लभ दास जी को ये सेवा मिली, यहाँ पे सब सेवा को बोझ, अब ढूंढ ढूंढ के सुंदर साथ सेवा, भाई ये मेरे जिम्मे है तो वो भी तो सेवा करनी, वो भी मैं कर लूं, वो भी मैं सेवा करूं, सुंदर साथ सेवा के लिए तरस तरस के सेवा करते हैं। बहुत मेहनत इन करी, और सेवा मेहनत के बिना तो भाई होगी नहीं, सब सेवा की खोज, और वो लोग जो फिर परिश्रम करते हैं वो ढूंढते भी रहते हैं, ये सेवा याद नहीं हो रही, ये भी हम कल कर लेंगे, इस समय से शुरू कर दूंगा। महावजी भाई इन समय, इस समय महावजी भाई पोरबंदर से आए, और पोरबंदर आए, पोरबंदर से आते, ये दूसरे महावजी भाई है, एक महावजी भाई तो मस्कत बंदर वाले थे ना, ये पोरबंदर वाले हैं। सेवा अनार राखवे की, अनार राखवे, अनार किसको कहते हैं, सारा डाक विभाग और स्याही का कुंजा, जिसको चाहिए वो ले लो, किसी को डाक लिखवानी है लिखवा लो, और पत्री लिखवे की, और पत्री लिखने की सेवा ये करते थे। आस भाई इन समय, आस भाई कौन, लाल दास जी, समय लागत है चरण, आके जब देखा सारी व्यवस्था ठीक हो रही है, और देख के आके चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री राज हित कर बुलावा, स्वामी जी भी फिर आकर भी प्यार क्यों नहीं करे,
जो सेवा इतने दिन भर रात लगे हैं, तो उनको बड़े प्यार से स्वामी जी भी बुलाते हैं। प्रसन्न हो के मन, प्रसन्न हो के बहुत खुश होते हैं। शाबाश शाबाश, खूब प्रसन्न हो के आशीर्वाद देते हैं। श्री महामत कहे ये सैयनो, श्री महामत मैं ए सही। सुनने की तो यही चुभी है कि ऐ सुंदर साथ जी, आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी। ये सेवा के कहे साथ, ये सेवा के कहे साथ। ये फिर इन्होंने आखिरी इनका एंड क्या हुआ? अगर ये जो सेवा के साथ थे तो इनका एंड क्या होता है? ध्यान के साथ अंतिम दो चरण हैं। यहाँ ते ही खड़े रहे, बस अपनी अपनी सेवा करते 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 ही इन्होंने अपने शरीर त्याग दिए। जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये प्रार्थना की धनी। मैं आपकी अंगना मेरी आत्म थी, पर माया में आके भूले पड़े थे। आपकी वाणी ने हमें जगाया है, सुध आई है कि आप हमारे धनी हैं, हम आपकी अंगना हैं। मो अंगना नी ऐसी ऐसी बातों से हृदय में जब हम प्राण लेके बैठेंगे तो फिर क्या राज्य की शक्ति हमें सहारा नहीं देगी? क्या वो हमें बल नहीं देंगे? तो इसलिए सुंदर साहब जी, जिन्होंने तारतम लिया है, आत्म संबंध के नाते से यही प्रार्थना है, काम काज करो संसार के, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आत्म की खुराक वाणी को लेकर के बैठो। एक बार पाठ करोगे, हो सकता है पूरी क्लियर समझ ना भी आए, तो एक बार के पाठ के बाद जब आप दोबारा पाठ करोगे तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समझ नहीं आती। फिर ट्रांसलेशन टीका अर्थ गठन वाले स्वरूप साहब लगभग सबके घर हैं, जिनके पास नहीं है नरेंद्र भाई जी से मिल सकते हैं, यहां पर पहुंचाए हुए ले लो, और आधा घंटा, कोई ज्यादा नहीं होता है। अगर मानो जल्दी जाना है तो आधा घंटा और पहले उठ जाओ। आखिर आत्मा सत्य है और शरीर मिथ्या, पहले आत्म को खुराक दे लो। आत्म की खुराक क्या है? राज्य मराज की वाणी पढ़ना। उसके बाद शरीर के लिए तो हम सारा दिन समय समय पर खाते हैं पीते हैं, चलता रहता है। ये इतना सा करने पर क्या होगा कि हमारी आत्म कभी भी राज्य से अलग होगी नहीं। और यदि वाणी नहीं पढ़ेंगे तो फिर यही होगा, अरे लिया था कविता तू, फिर कुछ फायदा नहीं। जैसे मानो खेती होती है, उसमें आपने एक बार बीज तो डाल दिया, फिर कभी पानी नहीं दिया, कभी उसकी सफाई नहीं की, तो घास ही ज्यादा बड़ा होके वो बीज को वहीं गला देगा। और यदि दर रोज सफाई होती रहे, समय पर पानी देता जाए, तो देखो कितनी जल्दी पेड़ हो जाता। इसी तरह से तारतम जो है ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो राज्य के साथ संबंध है, वो हो गया। अब करना क्या है? अपने धनी को रिझाना है, तो वो एक वाणी है जिसके द्वारा धनी भी रिझते हैं और हमारे अंदर। अब सवेरे उठो, सफाई करो, पहुंचा दो। अगर यहाँ के फर्श में अल्ले हो जाते हैं और हमने बड़े बड़े सुंदर कालीन भी बिछा रखे, उसके लिए भी तो सफाई करनी जरूरी है। तो आत्मा के ऊपर जो मलिनता है उसको सफा नहीं करना। हर रोज जो है
उसको निर्मल सार ताकि, क्योंकि माया की हाय हाय में हम लोग लगे गृहस्थी लोग, तो दर रोज हमारी आत्मा निर्मल होती रहे उसके लिए क्या है, राजीव राय की वाणी पढ़ना बस। फिर राजीव राय की मेहर क्या है, क्या करती है, वो आपने देख लिया। वीडियो कैसेट भी बन गई है, ऑडियो भी बन गई है। एक बार विधिवत जो सुंदर साथ रेगुलर नहीं सुन सके, वो घर में तो बैठ के समय निकाल सकते हो, रात का रख लो जब सोने वाला, एक घंटा वीडियो कैसेट, एक ज्यादा नहीं एक एक घंटे सुनते रहो, तो जो एब्सेंस में नहीं समझ आई थी वो भी समझ आ जाएगी। और उसके बाद बस ये नियम बना लो कि इतना जरूरी काम भले क्यों नहीं होगा, सबसे पहले उठ के वाणी पढ़नी, बस इतनी प्रार्थना। और उसके बाद भाई ब्रह्मवाणी है, बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं कह सके, तो मेरी क्या शक्ति औकात थी, ये सब श्री राजीव राय की मेहर से, उनकी कृपा से हुआ है। यदि कोई शब्द इधर उधर हुआ लगता हो, या किसी शब्द से किसी के दिल को कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और फिर सुंदर सार से प्रार्थना है कि हम तो चले जाएंगे, उसके बाद भूलना नहीं कि आत्मा का भी कोई धनी है, और हमारा सबसे पहला फर्ज है कि धनी के चरणों में सुबह बैठें। और उससे क्या होगा, उनकी मेहर आशीर्वाद लेके जाएंगे, एक दिन सारा दिन मन प्रसन्न रहता है। डू प्रैक्टिकल देन सी, और बिगड़े काम भी ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। पढ़ना या वाणी की बरकते कई दफे होते, आजमा के देखो कि वाकई जिस दिन से हमने वाणी पढ़ना शुरू किया सब संकट भी सीधे होते जाते हैं उनकी कृपा से। क्यों, जब उनके साथ हमारी आत्म का संबंध जुड़ गया तो फिर वो हमारे सिर से कभी भी जुदा हो नहीं सकते, अखंड संबंध है सुंदर जी, माया में हम भूले पड़े। तो जब धनी ज्यारे धनी साए थाए त्यारे छक मारे माया, माया की क्या औकात है कि अपने ब्रह्म सृष्टियों को आके सतावे, पर हम अंगना बन के धनी को रिझावे तो धनी भी हमारे सिर पर हाजिर खड़े हैं। ऐसे पक्के यकीन और निष्ठा के साथ चंद सांस जो बाकी हैं, सुंदर साहब जी करो माया का काम। स्वामी जी ने कहीं नहीं कहा भगवे बहन और बाबा जी बनो, श्री प्राणनाथ के दीन पर जिनको है प्रतीत वो घर त्यागी बन ना जान ही घर में है मी अतीत। जब घर बैठे ही राजीव राय के सब सुख मिल रहे हैं तो बनों में जाके क्या लेना, परमात्मा को लेने के लिए तो दुनिया बनों में जाती है, तो परमात्मा ही चल के तुम्हारे घर आ गए तो फिर लेना क्या। अब केवल माया के पर्दा रहता है, उसको हटाओ। ये मैं नहीं कहता कि अपने कामों पर नहीं जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना इंपॉर्टेंट वर्क है उसको सेकेंडरी कर दो, और फर्स्ट प्रायोरिटी राज्य के चरणों में बैठ के, यही मेरी प्रार्थना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, लगातार 33 दिनों तक हमने श्री बीतक साहब का श्रवण किया। कल दिनांक 21 अगस्त रविवार को बीतक साहब समाप्ति भंडारा कार्यक्रम प्रातः 9 बजे आश्रम के इसी पेज में दिखाया जाएगा। सुंदर साथ जी, आप सभी को एक बार फिर से यह ध्यान दिलाया जा रहा है कि पहले की भांति प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे हमें सरकार श्री जी के मुखारविंद से वाणी चर्चा का लाभ मिलता रहेगा। सभी सुंदर साथ जी विशेष रूप से यह ध्यान रखेंगे कि फेसबुक में तकनीकी बदलाव के कारण आगे से दिनांक 28 अगस्त से आने वाली चर्चा श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही सुनी जा सकेगी, फेसबुक पर लाइव नहीं आएगी। प्रणाम जी। Oh,
देखा।